अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिश्रा एंड आप देख रहे हैं बिश्रास कोचिंग लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में। आज हम जो है सॉल्व करने वाले हैं रोज कर्व की मिस्ट्री। सो डू यू नो व्हाट इज रोज कर्व? इफ यू डोंट नो देन यू विल नो इन द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो वॉच इट फुल एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर यूनिक वीडियोज ऑफ मैथमेटिक्स फॉर BA BSc MPhil एंड ऑफ कोर्स फॉर योर मोर नॉलेज। तो चलिए यहाँ पर आज जो है हम सीखेंगे कि रोज़ कर्व क्या होता है। तो अगर देखें मैंने इतनी मेहनत से कितना प्यारा रोज़ भी बनाया है, ऑफ कोर्स आई एम एन आर्टिस्ट तो मैंने रोज़ भी बनाया, ठीक है ना। एंड साथ में देखें मेरी फिंगर में भी एक रोज़ की जो है वो आज रोज़ नहीं लेकिन फ्लावर, इसको बोल सकते हैं फ्लावर रिंग है। तो ये मैंने स्पेशली इसीलिए पहनी है क्योंकि देखें मैं आपको बताऊँ ना कि रोज़ कर्व किस तरह से बनाएंगे। सो उसके लिए जो है मैंने इसको आज लिया हुआ है, ठीक है। सो रोज़ कर्व क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए बिकॉज दिस इज़ द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। अगर कोई मैथ्स पढ़े तो उनको पता होना चाहिए कि रोज़ कर्व क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग नॉर्मल सी डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन पढ़ेंगे रोज़ कर्व का इक्वेशन क्या होता है, सम इम्पॉर्टेंट रोज़ कर्व की हम लोग एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे एंड देन वी विल जो है सॉल्व मोर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ रोज कर्व इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ पार्ट टू दिस वीडियो, ठीक है। सो पार्ट वन में हम सिर्फ नॉर्मल रोज कर्व के बारे में सीखेंगे। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रोज कर्व की, सो ये रोज कर्व जो है हमारे पास मैथमेटिक का एक टाइप ऑफ कर्व होता है जो कि फ्लावर की तरह जो है होता है। ये नहीं कि वो इतना खूबसूरत सा जो है वो ऐसे रोज होगा, ठीक है, नो। और या फिर रोज के पेटल्स जो इस तरह से होते हैं वो ऐसे भी नहीं होता। ये एक नॉर्मल फ्लावर का कर्व होता है, जैसे ये एक नॉर्मल फ्लावर होता है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल फ्लावर, ठीक है ना। सो नॉर्मल जो फ्लावर होते हैं उसके हमारे पास पेटल्स किस तरह से होते हैं, इस तरह से पेटल्स होते हैं ना, मतलब एक मैक्सिमम रेंज के होते हैं, या तो ऐसे मोटे होते हैं या तो ऐसे पतले होते हैं या तो इससे भी ज़्यादा पतले होते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये नॉर्मल पेटल्स होते हैं, इसमें कोई डिज़ाइन ऐसा नहीं है कि कोई फ्लावर कुछ इस तरह से हो या वो सन फ्लावर की तरह हो, ठीक है। ऐसे रोज़ की बात नहीं हो रही, नॉर्मल ऐसे रोज़ की बात हो रही है जिसके हमारे पास पेटल्स इस तरह से हों, ठीक है। दिस इज़ द रोज पेटल, रोज कर्व, नॉट ओरिजिनल रोज, ठीक है। लेकिन इस फ्लावर कर्व को हम बोलते हैं रोज कर्व, ठीक है। और ये जो हमारे पास होता है ये कहाँ पर हम लाजर यूज़ करते हैं, अच्छा यहाँ पर मैं पॉइंट्स लिखती हूँ इसके लिए। दिस इज द मैथमेटिकल टाइप ऑफ कर्व, लुक लाइक, लुक्स लाइक अ फ्लावर विद पेटल्स, ठीक है, फ्लावर विद पेटल्स। एंड इसको हम लोग जो है यूजली इसको हम लोग डिफाइन करते हैं इन पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो हम लोग बोलेंगे इट्स डिफाइंड इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका सिस्टम किस तरह से होता है, इसका सिस्टम ये होता है कि हर एक पॉइंट पे हमारे पास एक प्लेन जो होगा वो एक डिस्टेंस और एक एंगल बताएगा, और इसी डिस्टेंस और एंगल पे हम लोग एक जो है हमारा पेटल बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम लोग एक और जो है पॉइंट लिख देते हैं कि अ सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम वेयर ईच पॉइंट ऑन द प्लेन is determined by an angle and a distance from origin, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग जो भी पॉइंट यूज़ करते हैं वो पॉइंट हमारे पास एंगल और डिस्टेंस को डिटरमाइन करता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। हमें पता है कि हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, ओरिजिन से एक चीज़ को यूज़ करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई पॉइंट है कि यहाँ से हमने यहाँ जाना है तो हमारा एक पेटल बन जाएगा, एक पेटल दूसरा यहाँ बन जाएगा, तीसरा यहाँ बन जाएगा, चौथा यहाँ बन जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक रोज़ में कितने पेटल हैं? क्या हम लोग को ये पता है कि रोज़ में कितने पेटल है, या फिर जो है सनफ्लावर में कितने पेटल्स हैं, या फिर कोई और फ्लावर ले लें जैसे कि मुझे ज़्यादा नाम नहीं आते, लिली ले लें, जैस्मिन ले लें,
ठीक है ना। अब इन फ्लावर्स के बारे में हमें नहीं पता कि इसके कितने पेटल्स होते हैं, और जो सामने दिखते हैं हम लोग सिर्फ उन्हीं को गिन लेते हैं, हालांकि उनके अंदर रोज में अगर आप देखें तो अंदर कितने ज़्यादा पेटल्स होते हैं जो खुले नहीं होते, ठीक है ना। सो हर एक रोज, हर एक फ्लावर जो है अलग टाइप ऑफ पेटल्स रखता है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रोज कर्व। अ रोज कर्व इज लुक्स लाइक, रोज कर्व को हम स्टार्ट कैसे करेंगे, रोज कर्व इज अ टाइप ऑफ मैथमेटिक कर्व दैट लुक्स लाइक अ फ्लावर विथ पेटल्स। इट डिफाइन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स पे डिफाइन किया जाता है। होप कि सबको पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता होगा। अ सिस्टम वेयर ईच पॉइंट, पोलर कोऑर्डिनेट का वो सिस्टम कहाँ पे हर पॉइंट जो होता है प्लेन पर वो डिटरमाइन करता है किसी न किसी एंगल को या किसी न किसी डिस्टेंस को फ्रॉम ओरिजिन। जैसे कि यहाँ पर मैंने छोटा सा बताया, ये तो छोटी सी एग्जाम्पल थी। नाउ चलेंगे रोज इक्वेशन पे कि व्हाट इज द रोज इक्वेशन एंड रोज इक्वेशन में हमारे पास क्या क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ रोज कर्व के बारे में हमें पता चल गया, बट व्हाट इज रोज कर्व इक्वेशन। अगर हम यहाँ पर देखें तो रोज कर्व के हमारे पास दो इक्वेशन होती है। एक होता है हमारे पास r इक्वल टू a cos थीटा एंड r इक्वल टू a sin k ऑफ थीटा। अब यहाँ पर a क्या है, r क्या है और k क्या है एंड थीटा क्या है, इसके बारे में जो है हम लोग सारी डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर r को देखें तो r जो है वो हमारे पास क्या बताता है, वो डिस्टेंस को बताता है। डिस्टेंस एंड अगर हम यहाँ पर जो है वो ओरिजिन की जो बात करें ना, जब हम लोग बात कर रहे थे ओरिजिन की कि डिस्टेंस जो होगा और एंगल जो होगा वो ओरिजिन से होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये भी हम लोग फ्रॉम ओरिजिन से लेंगे, ठीक है ना, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास थीटा है वो हमें बताता है एंगल के बारे में, एंगल के बारे में, ठीक है। एंड यहाँ पर जो ए है, ये हमारे पास, ये जो ए है ये हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है जो कि हमारे पास साइज को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कोई भी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट दैट इफेक्ट साइज ऑफ पेटल, पेटल, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है साइज ऑफ पेटल, अब हम लोग कह रहे हैं ना कि यहाँ पर हमारे पास जो है कोई भी पेटल है, जैसे कि मैं चार पेटल्स का रोज बना रही हूँ, तो ये जो साइज होगा ये हम लोग क्या करेंगे, इस कांस्टेंट हमें हेल्प देता है कि हम लोग एक पेटल की साइज कितनी रखें, ठीक है। ये हो गया ना। अगर हम लोग यहाँ पर के की बात करें तो के हमारे पास कोई भी एक कांस्टेंट होगा जो नंबर ऑफ पेटल्स हमें बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि जो के है ये हमारे पास नंबर ऑफ पेटल्स बताता है, नंबर ऑफ पेटल्स, ठीक है। सो ये था हमारे पास हमारा रोज इक्वेशन। एक जो होता है हमारा कोसाइन में होता है और दूसरा हमारे पास, ये दो हमारे पास कोसाइन होता है, या तो कॉस में आ गया या तो हमारे पास ये साइन में आता है। सो ये हमारे पास रोज इक्वेशन होती है जिसको हम लोग यूज करते हैं रोज कर्व, और इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी एग्जाम्पल जो है वो मैं करवा चुकी हूँ इन 15.3 थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन में। इसका जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या था, लेट मी चेक ओवर हेयर, हमारे पास था वन लीव, यस, क्वेश्चन नंबर 19, जिसकी लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी जो है इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। साथ में इसमें एग्जांपल्स भी करवाऊंगी और जो है टाइप्स ऑफ जो रोज कर्व होती है वो भी हम लोग अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो होप कि ये जो इक्वेशन है आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ रोज कर्व की, क्या हमारे पास रोज कर्व में कितने टाइप्स होते हैं। सो नाउ द टाइप्स ऑफ रोज कर्व, हमारे पास रोज कर्व के टाइप्स क्या कैसे होते हैं। नंबर और शेप ऑफ द पेटल्स ऑफ अ रोज कर्व डिपेंड ऑन द के। ये जो के है ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने के कहाँ लिखा था, आर इक्वल टू ए कॉस के थीटा। तो ये जो के है ये हमारे पास क्या करता है, रोज के टाइप्स बनाता है, ठीक है। ये हमें नंबर ऑफ पेटल्स बताता है, और जब नंबर ऑफ पेटल्स होते हैं तो हमारे पास शेप भी जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है।
अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमारे पास केक किस टाइप्स के होते हैं, उसके बाद हम लोग इसके डिफरेंट शेप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो केक जो होता है वो हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, या तो वो ऑड होता है या तो वो हमारे पास क्या होता है, इवन होता है। अगर हमारे पास वो ऑड है तो ये जो है हमारे पास क्या बोलता है, अगर केक ऑड है तो जो कर्व है वो हमारे पास के पेटल्स का होगा, ठीक है। सो कर्व विल बी के पेटल्स, ठीक है। अब के पेटल्स क्या है, मतलब जो हमें नंबर गिवन होगा वही होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास वो इवन हुआ देन कर्व विल बी, सो कर्व विल बी विल हैव टू के पेटल्स। यानी अगर वो हमारे पास इवन नंबर हुआ तो हम लोग उस के को टू पे जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास नंबर ऑफ पेटल बनेगा। तो दिस इज द टू टाइप ऑफ रोज कर्व, इवन एंड ऑड। होप कि ये जो चीज़ है वो क्लियर हो गई होगी। नाउ आगे बढ़ते हैं विद द एग्जाम्पल्स जो कि हमें बताएगा कि कितने टाइप्स के ऑफ कर्व हम बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ।